तफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने जिक्र किया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के पास तहरीय किस्म के लोग आए जिनका यह अकीदा था कि यह दुनिया खुद ब खुद चल रही है, इसको कोई नहीं चला रहा है। इमाम अबू हनीफा से कहते हैं कि हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। इमाम अबू हनीफा ने कहा अभी मुझसे सवाल मत करो, इन्नी मुतफक्किरुन, मैं एक मसले में बहुत गौर कर रहा हूं, मैं अभी एक मसले में हैरान हूं, परेशान हूं, मुझसे तुम छेड़ो मत, अभी मुझसे कुछ बात मत करो, बाद में आना। उन्होंने कहा कि वो क्या है, हमको तो सुना दो, हो सकता हमारे पास उसका हल मिल जाए। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि एक आदमी ये कहता है कि इधर नाला है और यहां बीच में पानी बहता है, इधर के आदमी को इधर जाना है और यहां एक दरख्त है बहुत बड़ा, दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ी नहीं है, दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ी लेने वाला नहीं और उस दरख्त को तोड़कर कोई कश्ती बनाने वाला नहीं और उस दरख्त को तोड़कर कश्ती बनाकर कोई चलाने वाला नहीं। मैं हैरान हूं कि वो शख्स कहता है कि ये दरख्त खुद ब खुद टूटेगा, खुद ब खुद उसके पार्ट बनेंगे और खुद ब खुद वो कश्ती बनेगी और खुद ब खुद वो कश्ती चलेगी और लोगों को लेकर उस पार करा देगी। एक आदमी आकर मुझसे पूछता है कि खुद ब खुद दरख्त कटेगा, खुद ब खुद उसकी जो है तो फलियां निकलेगी और उसकी जो है तो कश्ती बनाई जाएगी और एक कश्ती को बगैर ड्रामा के वो कश्ती उस समंदर के उस पार चलेगी। ये आदमी मुझसे आके सवाल कर रहा है, मैं उसका जवाब तलाश कर रहा हूं। तो इन तहरियों ने कहा ए इमाम क्या इसका ये कोई आसान जवाब है, अरे इसको कोई भला कोई दरख्त खुद ब खुद कट सकता है जब तक के कुल्हाड़ी ना मारी जाए और जब तक के उसको आरा मशीन के ऊपर ले जाकर उसकी फाली ना बनाई जाए और जब तक उसका बनाने वाला कोई उस जो है तो कश्ती को ना बनावे, जब तक कश्ती चलाने वाला ना हो, खुदा की कसम कश्ती उस वक्त नहीं चलती। हजरत ने कहा ये तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने दे दिया है, जब एक दरख्त जो मामूली चीज है खुद तुर नहीं सकता, जब दरख्त खुद कश्ती बन नहीं सकता, जब दरख्त खुद टूट करके कश्ती बनकर बड़े ड्रावर के चल नहीं सकती, कायनात का इतना बड़ा निजाम बगैर किसी मालिक के कैसे चल सकता है। ये वो सुनकर सबके सब मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए।